यस मैम। कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर आना है स्कूल में। यस मैम। अरे सोनू, आ गए तुम्हारे मम्मी पापा? यस मैम, आ गए। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या हुआ मैम, क्या कर दिया सोनू ने अब ऐसा? मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। अब वो ऐसा नहीं करेगा, पर उसने अब ऐसी कौन सी गलती कर दी? ये सब आपकी गलती है, आपने सिखाया अपने बच्चे को ये सब। क्या हुआ मैम? क्या हुआ पर मैम ऐसा? दरअसल बात ये है कि आपका बेटा क्लासरूम में तम्बाकू खाता है। क्लासरूम में तम्बाकू खाता है। क्या यही सिखाया हमने तुम्हें? सोनू, ये सब करने के लिए तुम स्कूल आते हो? घर चलो, अच्छे से बताती हूँ। ये सब आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं रखा। अब सब बच्चे ऐसे ही करेंगे, सब पर बुरा असर होगा इस बात का। पर मैम, आपने तो कहा था कि हमें हमारे पेरेंट जैसा बनना चाहिए। सोनू, ये सब कोई खाता है क्या? पापा, आपको इसलिए बुरा लगा ना क्योंकि मैंने तम्बाकू खाई। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप मुझसे करते हैं। अगर मैं खर्रा खा रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो आप, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ, तो आप ये मत खाया करो। बस इतना ही कहना है आपसे। तो देखा तुमने, बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। जो पेरेंट्स की आदतें हैं वही बच्चे भी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पेरेंट्स ही ऐसे चीज नहीं खाएंगे तो बच्चे लोग क्यों खाएंगे? तो हमें नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए।